तो दोस्तों आज है आईपीएल 2023 के फाइनल का रिजर्व डे। कल हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिला, आज यहां पर मुकाबला होता हुआ जो है वो नजर आएगा, जहां पर सारी अपडेट आपको इस मुकाबले से रिलेटेड जो है वो देंगे। वेदर के बारे में बात करेंगे, अगर आज रिजल्ट नहीं आता तो क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को बस कर दीजिए एक लाइक, और आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतने वाली आईपीएल 2023 का टाइटल, कमेंट कर हमें जो है वो जरूर बताएं। दोस्तों कल जो है वो फाइनल का दिन था, लेकिन बारिश की वजह से पूरा दिन धुलता हुआ हमें नजर आया। आपको बता दें कि 5 ओवर का मुकाबला एंड में हो जरूर सकता था, वेदर ठीक जरूर हो गया था, लेकिन बीसीसीआई ने एक बढ़िया डिसीजन लिया और उन्होंने मैच को पोस्टपोन किया रिजर्व डे के दिन, ताकि हमें एक पूरा मुकाबला जो है वो देखने को मिले। और आज यहां पर रिजर्व डे है, जहां पर मुकाबला हमें देखने को मिलने वाला है। और आपको बता दें कि अगर आज के दिन रिजल्ट देखने को नहीं मिलता तो गुजरात टाइटंस की जो टीम है उन्हें विजेता घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में उनकी पोजीशन अच्छी थी चेन्नई सुपर किंग की टीम से। तो ये बड़ी अपडेट है कि अगर रिजर्व डे के दिन भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलता तो गुजरात टाइटंस की टीम विजेता होगी, यहां पर ट्रॉफी को शेयर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि वेदर को लेकर काफी अच्छी अपडेट है, बहुत ही बढ़िया वेदर सुबह सुबह आज हमें देखने को मिल रहा है अहमदाबाद का, और ऐसे में हम यहां पर उम्मीद कर सकते हैं कि पूरा मुकाबला 20 ओवर का हमें जो है वो देखने को मिले। हालांकि अगर 5 ओवर का भी मिनिमम मुकाबला होता है तो उसके लिए भी जो टाइमिंग है वो है करीब रात के 11:30 बजे की, इजिली ये मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों सुपर ओवर से भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है, अगर 5 ओवर का मुकाबला भी ना हो पाए तो सुपर ओवर भी यहां पर रूल के हिसाब से कराया जा सकता है, और सुपर ओवर के बाद हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यानी कि जो सुपर ओवर पूरे लीग स्टेज में क्वालिफायर में हमें देखने को नहीं मिला, वो सुपर ओवर शायद हमें फाइनल में जो है वो देखने को मिल जाए, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है क्योंकि वेदर काफी अच्छा हमें जो है वो नजर आ रहा है। टाइमिंग सेम है, 7:30 बजे की रहने वाली है, वहीं 9:30 बजे के बाद हमें ओवर्स कट होने जो है वो शुरू हो जाएंगे, वहीं 11:45 आखिरी टाइमिंग है जहां पर 5 ओवर का मुकाबला हो सकता है, उससे डिले होता है तो एक सुपर ओवर, और अगर सुपर ओवर भी नहीं हो पाता तो गुजरात टाइटंस की टीम विजेता जो है वो घोषित कर दी जाएगी। ये सारे सिनेरियो जो है मैच से पहले निकल कर आ रहे हैं जो कि हमने आपको बताया। न्यूज की अगर बात करें तो बता दें आपको अंबाती रायडू ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, आज आखिरी मुकाबला वो अपना खेलने वाले हैं और इसके बाद हमें आईपीएल में नजर नहीं आएंगे। वही दोस्तों एक इंटरेस्टिंग स्टैट्स की अगर बात करें तो यहां पर हार्दिक पांड्या जो है गुजरात टाइटंस के कैप्टन, 5 आईपीएल के फाइनल का हिस्सा हुए हैं और 5ों के 5ों फाइनल उन्होंने जो है वो जीते हैं, 4 मुंबई इंडियंस की टीम के लिए और 1 पिछले साल गुजरात टाइटंस की टीम के लिए, तो रिकॉर्ड इनका बहुत ही ज्यादा बढ़िया है फाइनल में। तो क्या एमएस धोनी आज इनके रिकॉर्ड को जो है वो ब्रेक कर पाएंगे, इनकी स्ट्रीक को खत्म कर पाएंगे, या फिर एक और बार 6ठी बार हार्दिक पांड्या जो है फाइनल जीतते हुए हमें नजर आएंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग आज होने वाला है। आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम आज जीतेगी, क्या चेन्नई सुपर किंग या फिर गुजरात टाइटंस, कमेंट कर हमें जो है वो जरूर बताएं। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।